पेगासस मामले पर राहुल गांधी बोले, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर मोहर लगाई। भारत में बने कोरोना के टीके कोवैक्सीन को WHO की मान्यता का अभी और करना होगा इंतजार। WHO ने मांगी और जानकारी। सुपरस्टार रजनीकांत ने राष्ट्रपति और पीएम मोदी से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध। समीर वानखेड़े के पिता का नवाब मलिक को जवाब, कहा मैं दलित हूं, मेरे दादा परदादा सब हिंदू हैं, तो बेटा कहां से मुस्लिम हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवे तगर को, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली के ममुनी गांव पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूलमालाओं के साथ केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सलोन विधानसभा के ममुनी और धरई गांव में चौपाल लगाएंगी, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित सखा सहायक कार्यक्रम में भाग लेंगी, वहां लाभार्थियों को सौंपेंगी ऋण के चेक। खबर रायबरेली से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री पहुंची हैं ममनी गांव, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऋण के चेक सौंपे हैं। लखनऊ में ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जहां उन्होंने बताया कि यूपी के शासन और यूपी पुलिस के द्वारा अवैध रूप से भारत में प्रवेश हो रहे बांग्लादेशियों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ATS की बड़ी सफलता मिली है। यूपी ATS ने 4 लोगों को दीनदयाल रेलवे स्टेशन से पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह म्यांमार और बांग्लादेश से लेकर कुल रचित दस्तावेज बनाकर भारत में रखते हैं। भारत से आकर मुस्लिम लोग हिंदू नाम रखकर भारत में रहते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो ट्रैवल एजेंसी चलाता है। सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ तहसील के महादेव नानाकार के धान क्रय खरीद में आने का रास्ता नहीं है, जबकि ये साधन सहकारी समिति है। इसके चारों तरफ नाली का गंदा पानी है और कई महीनों से भरा हुआ है, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण ये परेशानी बनी हुई है, जबकि अब धान की खरीद भी शुरू होने वाली है। ऐसे में किसान सेंटर तक कैसे जाए, तो क्या इस स्थिति में धान खरीद हो पाएगी। खबर सिद्धार्थनगर से हम आपको बता रहे थे, जहां पर कई दिक्कतों का सामना देखने के लिए मिल रहा है। आगरा में आशीर्वाद जनसभा में भीड़ देखकर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी बहुत खुश हो गए। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था। मिनी छिपरौली के नाम से प्रदत्त फतेहपुर सीकरी विधानसभा में लोकदल को अपार जन समर्थन मिला। वहीं सर्व समाज के लोगों ने जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस समय पूरे जिले में बुखार ने अपना प्रकोप फैला रखा है, जहां देखो वहां बुखार के मरीज नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर औरैया जिला अस्पताल से सामने आई है, जहां मरीजों की लाइन देखने को मिली है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो ज्यादातर मरीजों में वायरल चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसमें 50% वायरल के मरीज सामने आ रहे हैं। बुखार के मरीजों की संख्या तो इस समय काफ़ी है, ज़िले में सब जगह बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उनमें से जो मुझे लग रहा है कि आधे मरीज लगभग वायरल फीवर से संबंधित हैं,
बाकी मरीजों में अलग तरीके के लक्षण हैं, उनकी खून की जांच कराने पता चल रहा है कि प्लेटें डाउन हो रही हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चिकनगुनिया जैसे भी सिम्टम लग रहे हैं, जिनकी प्लेटें डाउन हो रही हैं उनके कुछ जो हम टेस्ट किट से टेस्ट करते हैं, किसी किसी में डेंगू पॉजिटिव भी आता है, लेकिन एल्सा टेस्ट के लिए कन्फर्मेटरी होता है। अगर डेंगू केस अगर है तो एल्सा टेस्ट की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वो CMO मैडम के माध्यम से कानपुर वगैरह उसके टेस्ट भेजे जाते हैं। तो जिनमें प्लेटलेट की संख्या थोड़ा कम लगती है, कमजोरी है, वीकनेस है, उन मरीजों को हम भर्ती कर रहे हैं, ड्रिप लगा रहे हैं, बोतल लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो भी बेहतर सुविधाएं अपने यहाँ से दे रहे हैं। और ज़्यादातर मरीज मैं स्वयं देख के खुद भर्ती कर रहा हूँ। 8 महीने से वेतन नहीं मिलने पर रसोइयों में आक्रोश देखने को मिला है। आक्रोशित रसोइयों ने हजारों की संख्या में DM कार्यालय पर बेलना छनौटा लेकर कर प्रदर्शन किया। बकाया वेतन व 7 सूत्री मांगों को सरकार से मनवाने की जिद पर अड़ी सभी रसोइये, त्योहारों पर वेतन नहीं मिलने से रसोइयों में आक्रोश देखने को मिला था। जहां प्रदर्शनकारी और रसोइयों ने वेतन नहीं मिलने पर दीपावली नहीं मनाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश रसोईया कर्मचारी संघ है जो मिड डे मील योजना में खाना बनाने का काम करती हैं, और इनको अप्रैल से लेकर के अब तक मानदेय नहीं मिला है, जबकि इसके लिए हम लोगों ने बराबर जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में जिलाधिकारी माध्यम के ज्ञापन दिए, बेसिक ज्ञापन दिए, लेकिन मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। आप भली बात अवगत हैं कि दिवाली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं और ये बहुत गरीब महिलाएं हैं, इनका मानदेय मात्र 1500 रुपये, वो भी पूरे वर्ष में मात्र 10 महीने 12 महीने भी नहीं मिलता, इसके लिए हम सड़क पर आ जाए। मार्च का ही मानदेय अभी तक नहीं आया है, हमारी रसोईया दिवाली और छठ कैसे मनाएगी? यदि मानदेय नहीं आएगा तो BSA कार्यालय में पूरी रसोईया, हमारी 7000 महिलाएं BSA कार्यालय में पड़ाका बजाने का काम करेगी। 8 महीने हो गए हमारी रसोईया का, अभी तक मानदेय नहीं आया है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि मानदेय हम दें, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, पर सुनना पड़ेगा, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम हम लोग करेंगे। यहाँ से जलूस के साथ BSA मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज टोल प्लाजा पर कवरेज के लिए गए पत्रकार पर आरोपियों ने हमला कर दिया। घायल मीडियाकर्मी ने मेडिकल कर घटना की तहरीर थाने पर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमला करने वाले 6 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जिनके खिलाफ मीडियाकर्मी ने मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी है। ये कल टोल प्लाजा खुला है नवीगंज में, थाना बेवर क्षेत्र के अंतर्गत। इस पर ये कवरेज के लिए गए थे और ऐसी जानकारी में आया है कि लोकल एक पर्सन है जो कि पुलिस में इस समय वर्तमान में इटावा में पोस्टेड है, और उसने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की है, जिस संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज कर लिया गया है और संबंधित जनपद को एडमिशन। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद तलवी ने कहा कि जो भाजपा से डरा हुआ कांग्रेसी है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जारी किए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि दरअसल वो आज कांग्रेस की संकल्प यात्रा में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों द्वारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पूछे गए सवाल का राशिद तलवी ने जवाब दे रहे थे। वही उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए संकल्प को बताते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के पास आपको याद होगा कि 2 MP थे, आज उनकी अकेले सरकार, लोकतंत्र के अंदर MLA और MP की गिनती नहीं होती है, लोकतंत्र में जनता फैसला करती है और जनता आज ही जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अमरिंदर सिंह जी ने यह भी कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही चरम सीमा पर पहुंच गई है। लापरवाही के चलते सेवानिवृत्त सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की पत्नी व पुत्र धरने पर बैठ गए हैं। कोरोना के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हुई थी, जिसकी चिकित्सा प्रकरण में कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने प्रदर्शन किया। बीते 1 साल कार्रवाई के लिए सिंचाई विभाग कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है बुजुर्ग महिला। अरे भैया साल और है, ये साल वैसे हमारा कोई काम ना करता, काम खराब कर दो कम क्या मतरा हमारे करेंगे, कभी यहाँ के करेंगे, हम आगे बैठना हमें हिसाब ही ना मिल सके कभी। किस तरह का काम है? देखो बाकी बीमारी खत्म है कि क्या बोला। अच्छा, मेरे पापा थे, मामला ये है कि मेरे पापा पिछले साल कोविड से एक्सपायर हुए थे 13 अक्टूबर 2020 को,
जिसके बाद एक विभागीय चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण के लिए मैंने अपना जो केस था वो 11 जनवरी 2021 को मथुरा में सबमिट किया था। मथुरा से वो फिर केस मेरा 15 मार्च को यहाँ पे आया मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा के द्वारा तय होने के बाद। उसके बाद फिर यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी रमेश चंद ने उस पर आपत्ति लगाई। आपत्ति भी कैसी लगाई कि उसमें आधार कार्ड नहीं है, आपका प्रकरण 3 महीने से लेट का है। उन आपत्तियों को हमने दूर किया। फिर उसके बाद फिर से उसमें आपत्ति लगा दी कि उस पर चिकित्सा मर्मण नहीं है, जबकि उन्होंने मुझसे ना चाहते हुए मैंने जो भी उनने बोला वो सब मैंने किया। फिर भी यहाँ पे आए दिन की कोई ना कोई आपत्ति लगा दी जाते हैं। फिर मेरा केस पहुँचा लखनऊ, लखनऊ से भी उन्होंने आपत्ति लगा दी कि आपका केस लेट है, जबकि मेरा केस लेट नहीं था। मेरे पापा 13 अक्टूबर 2020 को एक्सपायर हुए थे और मेरा केस 11 जनवरी 2021 को डायरी हुआ है, तो उसमें अभी 90 दिन होने में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने उसका आए दिन आपत्ति लगा दिया। अब मेरा केस वापस यहाँ पे आ गया है। अब मथुरा हेड ऑफिस, लखनऊ हेड ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि आपका केस आगरा वाले करके देंगे। अब आगरा वाले बोल रहे हैं कि अब मेरा केस वापस मथुरा से जाएगा। साल भर हो गई, साल भर से हम लोग यही चक्कर काटते रहे। विद्युत विभाग के द्वारा हर रोज तमाम तरह के चार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से करोड़ों रुपए वसूली किए जाते हैं, लेकिन अगर बात विद्युत आपूर्ति के लिए बिछाई गई लाइनों की कही जाए तो विद्युत आपूर्ति की लाइनों की वजह से आम जनता मौत के साए से होकर गुजरती है। जहां पर बीच बाजार से होकर गुजर रही बिजली की लाइन किसी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे सकती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ तहसील इगलास के कस्बा बेसा का है, जहां पर स्थित घंटाघर के समीप विद्युत आपूर्ति के लिए लाइन सड़क के महज 5 फीट ऊपर नजर आ रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा मौत के साए में होकर गुजरना पड़ता है। क्योंकि तार नीचे पड़े हुए सारे जो हैं, और ये चार चार लाइन खींची हुई है, बंद लाते हैं, फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट होकर भाग ले जाती है। क्या चाहते हैं ये लाइन, मतलब जो है दो दो लाइन रखी है, सिंगल लाइन रहनी चाहिए कम से कम। हमारा ये कहना है कि कभी भी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, बिजली वालों कई बार चेताया है लेकिन उनके कानों पर कोई जू नहीं रखती है। हर बार भरोसा देते हैं कि आज नहीं कल कराएं, कल नहीं परसों कराएंगे, और यहाँ के हमारे आदमी नहीं, हमारे लेबर नहीं है। क्या आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की? हाँ, 2-3 बार जेई से की है। क्या कह देते हैं जेई का कर्मचारी? समय नहीं है। फतेहपुर जनपद के मलवा विकासखंड के अभयपुर गांव में 2 दिन पहले से निरंतर गंगा नदी का पानी के जल में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों की फसलों में पानी भर गया है, जिससे हजारों बीघे फसल नष्ट हो गई है। मूसलाधार बारिश से कई गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए थे, जहां कई गांव के आसपास पानी पहुंच गया। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद लोगों से बाहर निकलने के लिए कहा है, लेकिन वहां रहने वाले लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मथुरा के थाना मान क्षेत्र के गरौली गांव में अचानक भरभरा कर मकान गिर गया। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज आवाज होने के कारण स्थानीय लोगों में लगी घटना की जानकारी। स्थानीय ग्रामीणों ने मकान के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। मामले की सूचना मिलने पर SDM ने घटनास्थल का जायजा लिया। लिविन में रह रही प्रेमिका के संग करवा चौथ मनाने वाले युवक ने अपनी पत्नी के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। इस मामले पर पुलिस ने महिला के पति समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो ये आपके साथ पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुका है? पहले भी हो चुका है ऐसा। पहले भी उन्होंने मुझे बहुत मारा था, गला वाला दबा दिया था मेरा, तो हमने पूरी पुलिस की हेल्प ली, तो वो मेरे को ताने मारते हैं और बार बार ये कहते हैं कि तूने मुझे जेल में भेजा है, मैं तुझसे बदला लूंगा, और वो बदला आज मुझसे उन्होंने ले लिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।